नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे ठंड को लेकर। प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के दक्षिणी भाग एवं समीपवर्ती झारखंड और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में एक प्रतिचक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगले 48 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर पर कोहरा छाए रहने की भी बात कही गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य बिहार में हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली सूचना के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से गोपालगंज, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी तथा पश्चिम चंपारण के जिलों में 9 से 11 जनवरी के बीच में हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान पछुआ हवा तथा उसके बाद पूर्वा हवा औसतन 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है। प्रदेश में अभी कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर बिहार में इसका असर देखने को मिलेगा, जिसके कारण आसमान में हल्के से घने बादल छाए रहेंगे। बता दें कि पिछले दिनों यानी कि शुक्रवार को अचानक से चक्रवाती दशा बदलने से पछुआ हवा चलने के बाद ही प्रदेश में उच्चतम और न्यूनतम तापमान में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। अगर अपवाद को छोड़ दें तो एक दो जगहों को छोड़कर पूरे बिहार में उच्चतम तापमान सामान्य से अधिक यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान में भी 1 से 3 डिग्री तक का इजाफा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालय पर से मध्य बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इसके बाद एक बार फिर से शीतलहर चल सकती है। दरअसल पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड और इसके सटे दक्षिणी बिहार में चक्रवाती क्षेत्र विकसित हुआ है। इसकी वजह से अगले 2 दिन उत्तर पश्चिम बिहार में बारिश हो सकती है। यही कारण है कि बिहार में पिछले 24 घंटे में उतार चढ़ाव देखा गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। दिन में धूप निकलने से 15 जिलों में उच्चतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। IMD की माने तो अगले 72 घंटे में बिहार में शीतलहर चलने के आसार नहीं हैं। इधर प्रदेश के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य बिहार में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई, उसमें गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के 5-5 स्थानों पर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और सिवान के 1-2 जगहों पर बारिश हुई है। एक तरह से कह लें कि आने वाले 2 दिनों में बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है, लेकिन यह भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर एक बार फिर से लौट सकती है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।